नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आ चुके लेटेस्ट अपडेट के साथ में। बात करेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई को लेकर, उनहत्तर हज़ार भर्ती को लेकर लगातार लोगों को दोस्तों इंतजार किया जा रहा था। सुनवाई होगी, कितने समय के लिए होगी, अगली तारीख क्या मिलेगी, फिलहाल की डेट में आप सभी के सारे सवालों के जवाब दोस्तों इसी वीडियो के अंदर लेकर के आ चुका हूँ। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, इससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा जानकारी के आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों जो सुनवाई है वो समाप्त हो चुकी है। शिक्षा मित्रों की तरफ से बहुत सारे वकील देखने के लिए मिले थे, जहां पे दोस्तों उनकी तरफ से अगर कहें सभी वकीलों का दोस्तों डाटा मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंट टू पॉइंट किस किस पॉइंट को लेकर बहस हुई है, क्या क्या दोस्तों मुद्दा उठाया गया है, सारी जानकारी अगले वीडियो के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। लेकिन फिलहाल की डेट में आप सभी को बता दूँ, अगली तारीख जो लगाई दोस्तों वो 14 तारीख लगाई गई है। 14 को सुनवाई होगी, लेकिन 14 को जो होगा केस उसी दिन फाइनल हो जाएगा, उसके अलावा सुनवाई शायद ही देखने के लिए मिलेगी। जज साहब की तरफ से ये कहा गया है कि सारा का सारा डाटा हमें प्रोवाइड कर दिया जाए, 6 जुलाई तक सरकार की तरफ से सारा डाटा तैयार किया जाएगा। शिक्षा में 40-45 में कितने परीक्षा केंद्र अपीयर हुए थे, कितने परीक्षा के अंदर सिलेक्ट हुए, सारा का सारा डाटा दोस्तों मांगा जाएगा। लेकिन भर्ती के ऊपर दोस्तों किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगी, ऐसी जानकारी फिलहाल की डेट में दी जा रही है, जो कि एक दोस्तों बड़ी खबर आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। अगर हम बात करें फिलहाल दोस्तों जो साथ में एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, शिक्षा मित्रों के सभी वकीलों को दोस्तों यहाँ पर सुना गया था। सभी वकीलों को अगर बात करें दोस्तों सबकी तरफ से जो मांगे वो स्टे को लेकर की गई थी, लेकिन फिलहाल भर्ती पे कोई रोक नहीं है। 6 तारीख को जो नियुक्ति पत्र निर्धारित किया गया दोस्तों, फिलहाल उस पर कोई रोक आप सभी को देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूँ 14 तारीख को फिलहाल जो सुनवाई होगी उसी दिन जो मामला है वो निस्तारित हो जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी जानकारी आने वाले समय के अंदर देखने के लिए मिलेगी। अगले वीडियो के माध्यम से आप सभी को दोस्तों मैं जानकारी प्रोवाइड करूँगा क्या क्या बहस हुई है, किन किन मुद्दों को लेकर देखने के लिए मिली है। एक याचिका भी दोस्तों जो खारिज होगी, जिसकी जानकारी मैंने आपको लाइव आकर के दे दी थी रामशरण मोदा की तरफ से। तो फिलहाल एक लाइन में अगर हम देखें 14 तारीख को सुनवाई होने वाली है, भर्ती पे कोई रोक नहीं है। फिलहाल दोस्तों कल एक और सुनवाई होगी उत्तर कुंजी को लेकर, उसमें भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या डिसीजन देखने के लिए मिलता प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं स्टे नहीं हुआ, नियुक्ति पत्र 6 तारीख को जो मिलना है वो ऐसे ही मिलेगा। और बाकी अगर बात करें दोस्तों क्या क्या हुआ कोर्ट रूम के अंदर, इसको लेकर जल्द आप सभी के बीच आ जाएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।